हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफी फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन का ओपन माउथ एपी व्यू एक्सरे और सर्वाइकल स्पाइन का क्लोज माउथ एपी व्यू एक्सरे कैसे किया जाता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ और क्लोज माउथ एक्सरे के बारे में फ्रेंड्स सबसे पहले अपन सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ एपी एक्सरे के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स सर्वाइकल स्पाइन ओपन माउथ एपी व्यू को अपन ओडोनटॉइड व्यू भी कहते हैं फ्रेंड्स यह व्यू मोस्टली सर्वाइकल वन और सर्वाइकल टू को देखने के लिए किया जाता है अब इसके इंडिकेशन के बारे में जानते हैं मतलब यह व्यू क्यों किया जाता है फर्स्ट नंबर है डेमोस्ट्रेट मतलब प्रोसेस को देखने के लिए यह व्यू किया जाता है सेकंड है एटलस डिफॉर्मिटी मतलब एटलस बोन में कोई विकृति होने पर फ्रेंड्स यहां पर सीवन को एटलस बोन कहा जाता है थर्ड नंबर है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर मतलब सीवन और सीटू में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर फ्रेंड सीवन और सीटू में होने वाले फ्रैक्चर को अपन जेफरसन फ्रैक्चर भी कहते हैं फोर नंबर है कॉन्जिनाइटल अबनॉर्मलिटीज मतलब जन्मजात कोई अबनॉर्मलिटीज होने पर सर्वाइकल का यह व्यू किया जाता है अब इंडिकेशन की बात करते हैं सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी मतलब सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होने पर सर्वाइकल का एक्सरे नहीं किया जाता है अब पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं मतलब इस एक्सरे के लिए पेशेंट को कैसे तैयार किया जाता है पेशेंट शुड बी चेंज इनटू ए हॉस्पिटल गाउन विथ ओपेक आइटम्स रिमूव्ड। मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाया जाता है और सर्वाइकल या गर्दन से रेडियो ओपेक आइटम्स को हटा दिया जाता है जैसे इयर रिंग्स चेन कोई मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट हो उसे अपन रिमूव कर देते हैं जिससे एक्सरे में आर्टिफैक्ट नहीं आता है अब पेशेंट पोजीशन के बारे में जानते हैं मतलब सर्वाइकल स्पाइन का ओपन माउथ एक्सरे कैसे किया जाता है द पेशेंट लाइज सुपाइन पोजिशन ऑन द एक्सरे टेबल मतलब सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजिशन मतलब पीठ के बल लेटाया जाता है नेक इज एक्सटेंडेड मतलब पेशेंट की गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर किया जाता है दोनों आर्म्स और फोर आर्म्स को पेसेंट के साइड में रिलैक्स पोजिशन में रखना चाहिए द मीडियम सेजाइटल प्लेन शुड पैरल टू द इमेज रिसेप्टर मतलब पेशेंट का जो मीडियम सेजाइटल प्लेन होता है वह इमेज रिसेप्टर के पेरल मतलब समांतर होना चाहिए द पेशेंट इज ऑक्स टू ओपन हिज और हर माउथ एस वाइड एस पॉसिबल मतलब पेशेंट को अपना माउथ जितना पॉसिबल हो सके उतना ओपन करने के लिए या खोलने के लिए कहा जाता है जिससे C1 और C2 इजीली दिख सके फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है फिर पेशेंट की गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है और फिर पेशेंट का माउथ जितना हो सके उतना ओपन करने के लिए कहा जाता है अब सेंट्रल रे की बात करते हैं मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहां होना चाहिए द मतलब वर्टिकल रे बीम इज यूज मतलब इसमें वर्टिकल एक्सरे बीम का यूज किया जाता है सेंट्रेड टू द मिडल ऑफ द ओपन माउथ मतलब इस व्यू में एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट पेशेंट के ओपन माउथ के मिड पॉइंट पर दिया जाता है फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट दिया जाता है अब गोनाडल शील्डिंग की बात करते हैं प्लस लेड शील्ड और पेशेंट टू शील्ड गोनाड्स। मतलब पेशेंट के गोनार्ड्स को स्केट रेडिएशन के प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के गोनार्ड्स पर लेड शील्ड लगाया जाता है और यह पेल्विस एरिया पर लगाया जाता है नेक्स्ट है कॉलिमेशन इंक्लूड्स द एटलस द एक्सिस बोन एंड टीएम जॉइंट। मतलब एक्सरे बीम का कॉलिमेशन किया जाता है इस कॉलिमेशन में एटलस एक्सिस बोन और टीएम जॉइंट को इंक्लूड किया जाता है नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज इस व्यू में टेन इंटू ट्वेल्व इंच की एक्सरे या इमेज रिसेप्टर यूज किया जाता है नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर यह पोर्ट्रेट होनी चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है नेक्स्ट है मार्कर प्लस राइट एंड लेफ्ट एप्रोप्रिएट मार्कर ऑन द कैसेट मतलब कैसेट के ऊपर राइट right या लेफ्ट मार्कर लगाना चाहिए नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर फ्रेंड्स ओपन माउथ एक्सरे के लिए 60 से 70 के और 16 से 20 एम का यूज किया जाता है और फ्रेंड्स एक्सपोजर फैक्टर बॉडी पार्ट की थिकनेस और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के स्पीड पर भी डिपेंड करते हैं नेक्स्ट है एफ यह हंड्रेड सेंटीमीटर होनी चाहिए नेक्स्ट है बक्की या ग्रेड फ्रेंड्स इस व्यू में बक्की का यूज किया जाता है फ्रेंड्स इस इमेज में जो आप एक्सरे देख रहे हैं यह हमें सर्वाइकल स्पाइन के ओपन माउथ में प्राप्त होता है फ्रेंड्स सेकेंड नंबर प्रोजेक्शन है सर्वाइकल स्पाइन क्लोज माउथ एपी व्यू एक्सरे फ्रेंड्स इस व्यू को अपन फोचस व्यू एक्सरे और रिवर्स वाटर व्यू एक्सरे भी कहते हैं अब अपन इसकी पेशेंट पोजिशन के बारे में जानते हैं द पेशेंट लाइ सुपाइन पोजिशन ऑन द एक्सरे टेबल मतलब इस व्यू के लिए सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजिशन मतलब पीठ के बल सीधा लेटाया जाता है Both arms and forearms are relaxed at the side. फिर पेशेंट के दोनों आर्म्स और फोर पेशेंट के साइड में रिलैक्स पोजिशन में रखते हैं द मतलब पेसेंट इज एक्सड टू हाइपर एक्सटेंड द नेक मतलब पेशेंट की गर्दन को हाइपर एक्सटेंड मतलब बहुत अधिक फैलाने या बहुत अधिक ऊपर करने के लिए कहा जाता है द मीडियन सेजाइटल प्लेन शुड बी पैरल टू द इमेज रिसेप्टर मतलब पेसेंट का जो मीडियन सेजाइटल प्लेन होता है वह इमेज रिसेप्टर के पैरल मतलब समांतर होना चाहिए और फ्रेंड्स पेशेंट का जो माउथ होता है वह क्लोज मतलब बंद होना चाहिए अब सेंट्रल रे की बात करते हैं मतलब एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए द मतलब, वर्टिकल एक्सरे बीम इज यूज मतलब इसमें वर्टिकल एक्सरे बीम का यूज किया जाता है टुवर्ड्स द नेक जस्ट बिलो द टिप ऑफ द चिन मतलब पेशेंट का जो चिन मतलब पेशेंट की जो ठुड्डी होती है और ठुड्डी का जो टिप होता है उसके ठीक नीचे गर्दन की ओर एक्सरे बीम का सेंटर दिया जाता है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट दिया जाता है और यह आप जो इमेज देख रहे हैं यह हमें इस सर्वाइकल स्पाइन के क्लोज माउथ में प्राप्त होती है तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें